नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज़। मैं हूं आपके साथ बाबूलाल कुमार। आइए हम डालते हैं देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों पे एक नजर। राजधानी एक्सप्रेस में महिला से छेड़खानी, दिल्ली से धनबाद आ रही थी युवती। नई दिल्ली सियादह राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली से आ रहे एक युवक को महिला यात्री से छेड़खानी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। पीड़ित महिला यात्री दिल्ली से धनबाद आ रही थी। तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा आईसीयू में है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोजगार और खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक ट्वीट को टैग करते हुए उन्होंने ट्विटर पर लगाया आरोप। पटना में इंडिगो स्टेशन मैनेजर रूपेश हत्याकांड के फरार आरोपी की संपत्ति होगी कुर्की जब्त। पटना में इंडिगो मैनेजर रूपेश सिंह हत्याकांड के मामले में अब तक का चौथा आरोपी मोहम्मद बुआ को पुलिस पकड़ नहीं सकी, वह पटना का रहने वाला है। बिहार में शराबबंदी को लेकर के शराब की सूचना पर छापेमारी के लिए गई पुलिस पर पथराव, वही जीप क्षतिग्रस्त। बिहार के नवादा में शराब की सूचना पर छापेमारी के लिए गई पुलिस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। घटना सोमवार की देर रात गोविंदपुर थाना क्षेत्र के विनोबा नगर गाँव में घटी बताई जा रही है। बिहार के बक्सर कामाख्या देवी का दर्शन कर रहे माँ और बेटे की सड़क हादसे में हुई मौत। बिहार के बक्सर जिले में मंगलवार को हुए एक सड़क हादसे में माँ और बेटे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि माँ और बेटा दोनों नवरात्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुरी जिले से कामाख्या से पूजा कर लौट रहे थे। बिहार में हैवानियत, नानी के घर जा रही 13 साल की नाबालिग को आम के बगीचे में धर दबोच किया रेप। बिहार के मुजफ्फरपुर में नानी के घर जा रही 13 साल की नाबालिग को आम के बगीचे में धर दबोच युवक ने दुष्कर्म कर दिया। आरोपी की धमकी के डर से नाबालिग थाना नहीं जा पा रही थी। बेगूसराय में दबंगों ने गोली मारकर कर दी हत्या, लोगों में आक्रोश, छावनी में तब्दील गांव। बिहार के बेगूसराय में दबंगों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना से नाराज लोगों ने 10 घंटे से अधिक समय तक शव को रोक कर बदमाशों की गिरफ्तारी और बड़ी पुलिस पदाधिकारी को बुलाने की मांग करते रहे। बिहार झारखंड के सीबीएसई 10वीं और 12वीं के 5087 परीक्षार्थी ने बदला केंद्र। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के हजारों परीक्षार्थियों ने अपना परीक्षा केंद्र बदल लिया है। ये छात्र अब उन शहरों के परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देंगे। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा दीदी की धरना उनकी सियासी नौटंकी है। भाजपा के वरीय नेता पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। कहा कि जिन्होंने अपनी राजनीतिक कैरियर में अपना हिंसा का ही अपना पहचान दिया है।